देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय श्री नित्यानंद राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद श्री सुशील मोदी जी, माननीय सांसद और इस संस्थान के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सहप्रभारी माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय श्री जनार्दन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां पर भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती है। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के भारत के लोकतंत्र को उनके नेतृत्व में बचाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि में बने इस स्मारक पर उनकी इस दिव्य और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद जो जुझारूपन इस क्षेत्र के और इस भूमि में जुड़े हुए लोगों के अंदर देखने को मिलता है, उसने यहां के लोगों के जज्बे को अलग ही बनाया है। और यही कारण है कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का पग पग पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा, लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए, भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लोह को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था, लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया, और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है सचमुच वह देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह अभूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, रंता जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा समाज का कोई तबका आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य न हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, वो उत्तर का है या दक्षिण का, पूरब का है या पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी,
जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का प्राधिकरण हो, इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का प्राधिकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का प्राधिकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था, और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, तो कोड़ में खाच का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। भाइयों बहनों, आज जब जयप्रकाश जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उनकी पावन जन्मभूमि पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, यहां पर इस गांव के बाद की भूमि जनपद बलिया की भूमि आती है, और हम लोगों ने पहले से तय किया है, मैं तो बिहार सरकार से पहले से ही कहता रहा हूं कि हमें बाढ़ की समस्या के समाधान करने के लिए नदी के ड्रेसिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, यह हमें जल यातायात की सुविधा के साथ भी जोड़ेगा और हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान भी करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले 38 जनपद ऐसे थे जहां पर भीषण बाढ़ आती थी, बरसात हुई, बाढ़ से क्षेत्र जलमग्न हो जाते थे। भाइयों बहनों, आज केवल 3 से 4 जनपद हैं जहां बाढ़ आ पाती है, और वह भी अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम उसे भी बाढ़ से सदैव के लिए मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि वह कार्रवाई, नदियों को चैनलाइज करना, जल यातायात को खोल करके उसे आवागमन के लिए भी बनाना, और साथ साथ बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को सर्वथा रोकने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये सभी कार्यक्रम आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ अपने यहां लागू किया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बहुत शीघ्र यहां पर इस जो द्वाब मिलता है, खासतौर पर मां गंगा और मां सरयू के इस संगम स्थल पर, यह क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए जो मजबूर होता है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ा करके इसे बाढ़ से मुक्त करने के साथ ही यहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, क्या आप सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने और आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहां पर आए हैं, मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवी सज्जनों, जिनकी प्रेरणा ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के इस स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप लिया है, और जिनके करकमलों से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ, आज जिनके गरिमामय उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आइए करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें, आप सबकी तरफ से प्रार्थना करें, परम आदरणीय श्री अमित शाह जी
गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार कि वे अपने ओजस्वी उद्बोधन से, अपने प्रेरक संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? बलिया वाले भी आए हैं ना यहाँ, बिहार वाले भी है ना, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींच कर, इतनी जोर से भारत माता की जयकारा लगाइए कि जेपी के सिद्धांतों को छोड़कर जो कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं उनके हृदय के अंदर कमकमी आ जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, जयप्रभा राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान वीरेंद्र मस्त जी, हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्रीमान अश्विनी चौबे जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन बाबू, यहां के सांसद और मेरे मित्र श्री राजीव प्रताप रोड़ी जी, बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी जी, जनार्दन सिंह जी, नीरज शेखर जी, प्रतिपक्ष के नेता विनय कुमार जी, हरीश त्रिवेदी जी, उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और आज जेपी की जन्मभूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जयप्रकाश जी की 121वीं जयंती पर मैं आज उनके जन्म स्थान पर यहां पर आया हूं, जेपी के महान कामों को श्रद्धांजलि देने के लिए। मित्रों, यहां पर ये जो अभी आदमकद से भी ऊंची मूर्ति जयप्रकाश की लगाई गई है, ये मूर्ति लगाने का प्रण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर, भारत सरकार की कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव कर किया था। आज वो प्रण पूरा हो रहा है और जेपी की जन्म जयंती के दिन ही पूरा हो रहा है। मित्रों, सरयू और गंगा के मिलन स्थान पर, बिहार और यूपी के मिलन स्थान पर, यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े, आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक अनेक विध नए नए प्रकल्प लिए। मित्रों,
मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं गुजरात से आता हूं, 1973 में गुजरात के अंदर इंदिरा जी के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चलती थी, चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे, बिहार में अब्दुल गफार मुख्यमंत्री। और मित्रों, इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को चंदा उगाने का काम दिया, भ्रष्टाचार की गंगा शुरू हुई, इसके खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण ने किया और गुजरात में सत्ता बदल दी। उसके बाद बिहार में आंदोलन किया और बिहार के अंदर जो आंदोलन हुआ वो गांधी मैदान की रैली देखकर इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री को जब जजमेंट आया तब मजबूर होना पड़ा, देश के अंदर इमरजेंसी डाली और जेपी को भी जेल में डाल दिया। देश के विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाला, उनको था जेल में डालने से जेपी मुरारजी भाई, अडवाणी जी, अटल जी सबके हौसले पस्त होंगे, मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पड़ी। जब इमरजेंसी उठी, जेपी ने पूरे विपक्ष को एक किया और उसके बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है, 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, 2.5 साल तक हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश, और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे, मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के नारे को किसी भी कांग्रेस जी ने सफल बनाने का यत्न नहीं किया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश भर के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके लिए रोजगारी के मौके सृजित कर उनके जीवन में उनके घर से धुआं निकालकर घर में उजियारा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन,
सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं, सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट हैं, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है? ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज पांच पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग अनुयायी युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं भाई वीरेंद्र मस्त जी को, जिन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष से नाते इसके पीछे पड़कर इसको पूरा करने का काम किया है। और आज जेपी के सिद्धांतों के लिए उन्हीं के जन्म के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्थानक बना है। यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है, यहां पर फैकल्टी की रहने की सुविधाएं भी बनने वाली है, यहां पर विद्यार्थियों की रिसर्च की सुविधा भी रहने की बनने वाली है। और जेपी का सिद्धांत, ग्रामीण विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। मित्रों, जयप्रकाश जी ने ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे सहकारिता का हो, चाहे ग्रामोत्थान का हो, चाहे सर्वोदय का हो, हर क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज जेपी की जन्म जयंती है, पूरे देश भर में लोग जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार वीरेंद्र जी को बात कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि वीरेंद्र जी ये यात्रा को यहां तक तो ले आए हैं, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए लगे रहिएगा। जेपी के सिद्धांतों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो उसी में से आगे पर देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की युवा शक्ति प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जय प्रकाश अमर रहे के नारे लगाएंगे। मेरे साथ बोले, जय प्रकाश, जेपी, जय प्रकाश, वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत आभार एक बार करतल ध्वनि के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, निवेदन राजीव प्रताप रूडी जी से माननीय सांसद।